हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स का टॉपिक देखेंगे। अभी आपने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे आप टू वेरिएबल की इक्वेशन को या टू वेरिएबल की इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करके ग्राफ पर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही आपको सेम इस सिस्टम में भी करना होगा। सिस्टम मतलब लीनियर इनइक्वालिटीज जब एक से ज़्यादा आपको गिवन होंगी तो वो सिस्टम होगा लीनियर इनइक्वालिटीज़ का। तो उस केस में भी आपको ग्राफ पर उन गिवन इनइक्वालिटीज़ को प्लॉट करना है और देखना है कि जो कॉमन रीजन है वो क्या मिल रहा है हमें। तो सेम ही स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये कंसिडर किया है, कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स। पहली ये है, दूसरी ये है, हम लेट कर रहे हैं। तो क्या स्टेप्स अभी हमने लास्ट वीडियो में फॉलो किए थे? तो पहला स्टेप था हमारा, ड्रॉ ऑल द बाउंड्रीज फॉर द गिवन इक्वेशंस। तो पहले बाउंड्री हम ड्रॉ कर लेंगे, मतलब लाइन को रिप्रेजेंट कर देंगे ग्राफ पर। देन सेकंड, इंडिकेट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटीज बाय ड्रॉइंग एरोज। इंडिकेट करना है हमें कि उस लाइन के लिए जो सॉल्यूशन होगा, जैसे इसके लिए सॉल्यूशन, अगर मैं इसको इस तरीके से, मान लीजिए अगर ये इस तरीके से ड्रॉ हो रही है ग्राफ पर, तो उसका सोल्यूशन इस तरफ हो सकता है या इस तरफ हो सकता है। तो वो हमें इंडिकेट करना है एरो मार्क करके, जैसे कि हमने पहले भी किया, और इसके लिए भी सेम वही हम करेंगे। दोनों को एक ही ग्राफ पर प्लॉट करना है, अलग अलग नहीं करना है। एंड देन उसके बाद थर्ड स्टेप इसमें ये रहेगा, शेड द कॉमन पार्ट या कॉमन रीजन। आप देखेंगे इंडिकेट करने पर दो लाइन्स या तीन लाइन्स के बीच में एक कॉमन रीजन आ जाएगा, जो तीनों जो तीन लाइन, तीन अगर इनइक्वालिटीज की, मेरे तीन एरोज एक रीजन पर साथ में कॉमन होंगे, तो वो हमारा कॉमन एरिया हो जाएगा और वही उसका सॉल्यूशन कहलाता है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर वन है ये, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ऑन द सेम ग्राफ। एक, दो, तीन, तीन आपको इनइक्वालिटी गिवन है। सो सबसे पहला स्टेप है कि इक्वल्स टू में रिप्लेस कर देना है इनइक्वालिटी को, एंड देन हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट्स को, कि जो पॉइंट्स हम प्लॉट करने जा रहे हैं वो क्या होंगे ग्राफ पर। सो उसके लिए मैंने एक साइड वेरिएबल रखा है, बाकियों को राइट हैंड साइड में ले गई ताकि मेरे को ईजी हो जाए सॉल्व करना। तो अब यहाँ पर मैं ज़ीरो पुट कर लूँगी, अभी मैं यहाँ पर ज़ीरो नहीं पुट कर रही हूँ, तो ये चीज़ ठीक है, आप ज़ीरो पुट कर सकते हैं। मैंने अकॉर्डिंगली टू पुट किया है, या थ्री भी पुट कर सकते हैं, या अगर आप यहाँ पे ज़ीरो ही पुट कर लेंगे तो टू डिवाइडेड बाय फोर हो जाएगा, सॉरी एट डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा, तो आपको मिलेगा फोर। तो ऐसे ही वाई की वैल्यू ज़ीरो, और तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, फोर मिलेगी। तो यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं वो आप देख सकते हैं, एक्स की, वाई की वैल्यू मैंने यहाँ टू पुट करी है, तो मुझे मिलेगा एट माइनस टू सिक्स मिलेगा, तो सिक्स डिवाइडेड बाय टू होगा थ्री, तो एक्स की वैल्यू हो गई थ्री। तो ऐसे ही मैंने फिर ये फोर भी यहाँ पुट किया, तो एट माइनस फोर होगा फोर, फोर बाय टू टू हो जाएगा। तो ये मेरे को दो पॉइंट्स मिल गए इस गिवन इनइक्वालिटी के लिए या इक्वेशन के लिए। ऐसे ही सेकंड के लिए भी हम कर लेंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे दूसरे एलिमेंट को और यहाँ पुट करके देखेंगे। ज़ीरो पुट कीजिए तो आपको मिलेगा सिक्स, क्योंकि एट माइनस, सॉरी एट हो जाएगा, लेकिन मैं बड़ा वैल्यू नहीं लेना चाहती, मैं कुछ छोटा वैल्यू चाहिए, जबकि मेरे को ज़्यादा बड़ी लाइंस में चीज़ें और ना लिखनी पड़े। या अगर आप एट को नॉर्मल आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर एक पेज पे किया है, तो ग्राफ पे आपको काफ़ी बड़ा स्पेस मिलेगा, तो आप एट भी ले सकते हैं। तो यहाँ ज़ीरो पुट कर लेंगे तो आपको एट मिल जाएगा। देन मैंने यहाँ जो पुट किया है वो टू है, तो टू टू जो फोर हो जाएगा, एट माइनस फोर फोर मिला। ऐसे ही थ्री पुट किया तो ये सिक्स हो जाएगा, एट माइनस सिक्स टू हो जाएगा। एंड इसके लिए फिर वन पुट किया यहाँ पर तो फाइव मिला, एंड टू पुट किया तो फोर मिला। तो ऐसे ही मैंने ये पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। पहला पॉइंट आप देखेंगे तो थ्री टू, एक्स थ्री है तो थ्री पर जाइए, ये रहा थ्री। एंड अब हमें इस थ्री से कहाँ जाना है, टू पर जाना है, तो टू ये रहा, वाई का टू ये रहा, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। तो एक्स के थ्री पर वेट कीजिए और उससे ही कंटिन्यू कीजिए जिस पर हमें जाना है, तो वो हमें टू पर जाना है। तो यहाँ पर हमने एक सर्कल कर लिया, डॉट लिख लिया कि ये हमारा पॉइंट है पहला। सेकंड, टू फोर, टू फोर को प्लॉट करना है।
तो पहले आप जाइए 2 पर, ये रहा 2 एंड ये रहा आपका 4। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये रहा आपका 4 पॉइंट y एक्सिस के लिए। तो इसे भी सर्कल कर लेंगे डॉट करके। अब हमें इसके बाद इन दोनों लाइंस को, सॉरी इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर लीजिए, तो आपको एक लाइन मिल जाएगी। उस लाइन पर सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तीन लाइन हम प्लॉट करेंगे तो कंफ्यूजन ना रहे, तो इसलिए हम लाइन ड्रॉ करने के बाद, जस्ट बाद ही इक्वेशन लिख लेंगे जो गिवन है इक्वल्स टू की फॉर्म में। आपको इनइक्वालिटी की फॉर्म में नहीं लिखना होता, इक्वेशन को इक्वल्स टू में लिखना होता है। देन सेकेंड, आपको अब इसमें इन पॉइंट्स को भी मैंने किया है, तो ये आपको इस तरीके से मिलेगा। देखिए x4 है एंड y2 है, ये रहा 2, तो यहाँ पर ये पॉइंट ये रहा, एंड सेकेंड x2 है तो y3 है, तो ये रहा। तो इन दोनों पॉइंट्स का, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ये लाइन मिली, ऐसे ही आपको थर्ड लाइन ये वाली मिली। तो तीन लाइन हमें मिल गई है। अब इसके बाद हमें देखना है कि इन तीनों लाइंस के लिए क्या रीजन होगा। जैसे इसके लिए या तो इधर हो सकता है या इस तरफ हो सकता है, इसके लिए इधर हो सकता है सॉल्यूशन, इधर हो सकता है, इस लाइन के लिए इधर हो सकता है सॉल्यूशन या इस तरफ हो सकता है। तो ये हमें अभी इंडिकेट करना होगा एरो से, लेकिन उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस लाइन के लिए इधर का कोई पॉइंट ले लीजिए या इधर का कोई पॉइंट ले लीजिए, अगर आपकी उसमें इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है तो वो रीजन आपका सॉल्यूशन वाला रीजन होगा, तो उसे हम इंडिकेट कर देंगे एरो से। तो यहाँ पर ये तीनों ही लाइंस में आप देखेंगे कि वो ओरिजिन से हटकर है। तो ओरिजिन से हटकर है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ओरिजिन से हटकर इक्वेशंस या लाइंस आपको गिवन मिलेंगी ग्राफ पर, तो आप ओरिजिन को ही एज अ टेस्ट पॉइंट चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं ओरिजिन को चेक कर रही हूँ, वी यूज टेस्ट पॉइंट ओरिजिन, एंड यहाँ पर ये हो जाएगा 0 + 0, तो 0 > 8, क्या 0 बड़ा होता है 8 से? नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब इस लाइन के लिए ओरिजिन की तरफ जाना नहीं होगा सॉल्यूशन, उसके अपोजिट होगा। देन सेकेंड, इसके लिए भी सेम, ये भी फॉल्स हो गया एंड ये ट्रू हो गया। तो हम प्लॉट कर लेते हैं इसे, सॉरी इंडिकेट कर लेते हैं एरोस को। इस वाली इक्वेशन के लिए ये है वो लाइन, आपको इसने कहा कि फॉल्स हो गया, तो ओरिजिन की तरफ फॉल्स हो गया, तो यहाँ नहीं इंडिकेट करना, इस तरफ इंडिकेट करना है। तो मैंने यहाँ देखिए छोटे छोटे एरोस ड्रॉ करे हैं इस लाइन के लिए जो कि इस तरफ जा रहे हैं। देन सेकेंड, इस लाइन के लिए भी हमारे पास फॉल्स हो गया था, तो ये भी ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा, तो ये भी मैंने इस तरफ प्लॉट किया है। तो ये इसके बाद अब लास्ट लाइन वो ट्रू है, तो लास्ट लाइन ट्रू है तो हम उसे ओरिजिन की तरफ लेकर जाएंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि कौन सा ऐसा एरिया आपको मिल रहा है जिसमें तीनों लाइंस के लिए इंडिकेटेड पॉइंट्स कॉमन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लाइन के लिए इधर जा रहा है, इस लाइन के लिए भी इधर है एंड इस लाइन के लिए भी इस तरफ है। तो इसका मतलब जो एरिया होगा कॉमन एरिया वो ये है, उसके अलावा कोई और नहीं है जहाँ पर तीनों इंडिकेटेड पॉइंट्स कॉमनली एक साथ मिल रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इस एरिया को भी देखेंगे तो इस तरफ ये है, इस तरफ ये है, लेकिन ये वाली लाइन तो अपोजिट हो गई। तो यही एक एरिया था जो इसका सॉल्यूशन होगा जिसमें तीनों इंडिकेटेड पॉइंट्स है, तो यही एक रीजन हो गया। तो यही आपको इस क्वेश्चन में करना है, बहुत सिंपल है, सिर्फ स्टेप्स को फॉलो करना होगा और लाइंस को रिप्रेजेंट करना कैसे है और इंडिकेट कैसे करना है वो हमने अभी तक में देख लिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। अभी इसका अगला क्वेश्चन हमारे पास है example number 2। तो example number 2 है ड्रॉ द सॉल्यूशन सेट, ये तीन लाइंस आपको गिवन है। अगर आप देखेंगे तीन नहीं है, ये चार है, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये एंड ये चौथी। तो ये तीन इक्वेशंस आपको गिवन है, ये कह रहा है कि x की वैल्यू छोटी होगी y से और ये कह रहा है x की वैल्यू बड़ी होगी 0 से। तो सबसे पहले इनको इक्वल्स टू में रिप्लेस कर लीजिए, अभी यहाँ से जजमेंट्स ना दें अपने, सिर्फ इक्वल्स टू में रिप्लेस कर दें और देखिए किन किन के पॉइंट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने पॉइंट फाइंड आउट कर लिया एंड इसके लिए भी, यहाँ पर आप देखेंगे सिचुएशन ऐसी बनेगी कि फ्रैक्शन में लेना ही पड़ेगा इक्वेशन को, जो वैल्यू होगी ना वो आपको
फ्रैक्शन में ही मिलेगी, चाहे आप कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, लेकिन डेसिमल में अगर आप जाएंगे वाई की जगह पुट करने पर तो मे बी उस तक कुछ सोल्यूशन आपको मिल जाए. लेकिन मैंने एक नॉर्मल इंटीजर ही लिया है और उसे पुट करने के बाद मुझे फ्रैक्शन में ही ये मिल गया है. तो फर्स्ट टू लाइन्स के लिए मुझे ये पॉइंट्स मिले हैं. सेकेंड में अगर थर्ड में अगर आप देखेंगे पॉइंट्स क्या होंगे, एक्स की वैल्यू जब टू होगी तो वाई की वैल्यू भी टू होगी. तो ऐसे ये सेम नंबर्स आपको मिलते रहेंगे, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. और देन यहाँ पर इसके लिए अगर इक्वल्स टू में लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू जीरो होगी. तो जीरो के लिए हमें पता है ग्राफ कैसे करना है. तो हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं. तो ये है 20/3 और 1 पहला पॉइंट. 20/3 आपको मिलेगा 6.7 something, वो आपको 0, 6.666, तो मैंने इसलिए इसको राउंड ऑफ कर लिया, 6.7 something वो आपको मिलेगा. तो यहाँ पर 6.76 और 7 के बीच में होगा, तो मिडिल के बीच में थोड़ा सा आगे मैंने 6.7 को यहाँ पर डॉट कर लिया है. देन उसके बाद अगला पॉइंट है 3/0. आप देखेंगे 1 पर ही करना है ये, पहले गए x पर 20/3 पर, देन उसके बाद आगे जाएंगे तो 1 तक हमें इसे सर्कल कर लेना है या डॉट कर लेना है. देन 3 और 0, तो x पर 3 ये रहा, 0 रहेगा तो 0 के लिए y कुछ नहीं होगा, तो ये हमारा 3 पर ही पॉइंट हम लगा देंगे x पर. तो ये लाइन मेरी पहली लाइन हो गई. एंड इसको आप नेमिंग इसकी रहेगी 3x-5x=15. अब अगला जो है लाइन उसके लिए देख लेते हैं पॉइंट्स क्या रहेंगे. तो सेकेंड पॉइंट के लिए, सेकेंड इक्वेशंस के पॉइंट की प्लॉटिंग के लिए पहला पॉइंट है 0, 3. तो 0/3 वाई पर ये रहा, एंड 2/3/2, तो 0.7 होता है 2/3, एंड 2/3 आपको 0.7 के लिए 2 पर करना है वाई के. तो पहले एक्स पर जाइए, 0.7 यहाँ होगा और 2 पर ये रहा डॉट, तो आपको ये यहाँ पर मिल गया. तो पहले दो को, जो दो पॉइंट्स हैं उनसे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे कनेक्ट करके. तो ये हमें कुछ इस तरीके से ग्राफ मिला तीनों लाइंस को प्लॉट करके. एंड इसके लिए जो है तीसरी जो लाइन है वो x इज इक्वल्स टू वाई है. तीन लाइन नहीं, अभी हमने दो ही के लिए किया है. तो तीसरी हमारी है x इज इक्वल्स टू वाई. तो पहले जब 2 होगा तो y भी 2 होगा, एंड जब 3 होगा तो x, जब 3 होगा तो y भी 3 होगा. तो ऐसे करके जब मेरा x 1 होगा तो y भी 1 होगा, x 2 होगा तो y भी 2 होगा, x 3 होगा तो y भी 3 होगा. तो ये लाइन मुझे इस तरीके से मिल रही है. एंड जो फोर्थ आपको इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल्स टू 0, वो क्या होगी. तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, जब आपको x इज इक्वल्स टू सिर्फ 3 दिया होता है तो हम उसको वर्टिकली ऐसे प्लॉट करते हैं. तो वर्टिकली आपको ऐसे x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 5. तो x इज इक्वल्स टू 0 क्या होगा, ये. तो पूरा y एक्सिस ही x इज इक्वल्स टू 0 होगा. x इज इक्वल्स टू 0 होने का मतलब रहता है कि x की सारी वैल्यू 0 है. तो 0 है तो वो कहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है. तो इसलिए लाइन हमारी ये हो गई ड्रॉ करके, ये वाली y एक्सिस पर. तो ऐसे हमने ये चारों लाइंस के लिए प्लॉटिंग कर ली है. अब हमें देखना है कि पॉइंट्स कहाँ रहेंगे. तो पॉइंट्स के लिए या लाइंस के लिए कौन सा रीजन उसका सही रीजन होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. एंड देन फिर हम कॉमन रीजन देखेंगे. तो उसके लिए टेस्ट पॉइंट हम लेंगे. तो टेस्ट पॉइंट देखते हैं क्या इक्वेशंस के लिए हम ले सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने पहले दो इक्वेशंस के लिए ओरिजिन ही टेस्ट पॉइंट लिया है, क्योंकि वो उनसे हटकर थी ओरिजिन से. तो इसलिए ये हो जाएगा 0 < 15, तो ये ट्रू होगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा. एंड यहाँ पर टेस्ट पॉइंट मैंने लिया है 0 और 1, क्योंकि ये मेरे को ओरिजिन से बिल्कुल होते हुए जा रही थी इक्वेशन. तो इसलिए ये हो जाएगा 0 और 1, टेस्ट पॉइंट मैं यहाँ पे ले सकती हूँ ओरिजिन को छोड़कर. तो ये हो गया ट्रू. एंड इसके लिए हो गया, मैंने लिया है पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो 1 ग्रेटर होता है 0 से. आप यहाँ पर -1 भी ले सकते हैं, तो ये भी तभी फॉल्स हो जाएगा. तब उस केस में आपको बस ध्यान रखना है कि जिस एरिया का पॉइंट आपने लिया है उसके अपोजिट फॉल्स में जाना है, और अगर ट्रू हो रहा है तो उसी में ही रीजन रहेगा, उसी पॉइंट की तरफ ही सॉल्यूशन रहेगा. सो ड्रॉ कर लेते हैं, आप इंडिकेट कर देते हैं जो हमारे एरोज हैं. तो पहली लाइन के लिए ट्रू हो गया, जो कि है 3x + 2 + 5y = 15. तो इसके लिए ट्रू था ओरिजिन पर, तो ओरिजिन के तरफ हमें जाना, तो इसलिए मैंने इनको इस तरफ किया है. अब अगला है
अगली लाइन की इक्वेशन है 3x + 2y = 6, तो ये वाली लाइन, तो यहाँ पर फॉल्स आ रहा था, फॉल्स आ रहा था, तो हम ऑरिजिन की तरफ नहीं जाएंगे, तो उसके अपोजिट। अगला है हमारी लाइन x = y जो ट्रू थी, तो x = y पर मैंने पॉइंट लिया था 0, 1, तो 0, 1 पॉइंट कहाँ का हुआ, यहाँ का हुआ, मैंने x = 0 लिया था और y = मैंने लिया था 1, तो y = 1 मेरा इसी लाइन पर हुआ एंड x = 0 हुआ। आप चाहे तो यहाँ पर पॉइंट कुछ और भी ले सकते हैं जिससे आपको और इजीली मिल जाए वैल्यू, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या वैल्यू आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 0 और 1 लिया था, तो इसलिए ट्रू था वो, तो ट्रू के लिए ये इस तरफ से आया। आपको पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि पॉइंट्स आप क्या ले रहे हैं, अगर उस पॉइंट के एरिया में वो ट्रू है तो आपने उसकी तरफ इंडिकेट कर देना है उस लाइन को। देन लास्ट था हमारा जो वो भी ट्रू हो गया था, x = 0 पर मैंने 1 पुट किया था, तो 1 मेरा इस तरफ होता है, तो इस तरफ के लिए सब ट्रू होगा, तो इसलिए ये y एक्सिस पर आप देखेंगे x = 0 है, तो ये इस तरफ इंडिकेट कर रहा है। अब आपको कॉमन ढूंढना है, कॉमन तो इस लाइन का मतलब होता है कि पूरा का पूरा एरिया, तो ये यहाँ तक भी आ रहा है एंड इसके लिए इस तरफ का एरिया एंड इसके लिए इस तरफ का एरिया, इसके लिए इस तरफ का एरिया, तो ये देखेंगे आप, तो ये वाला एरिया 3 लाइंस है, साथ में ये भी है क्योंकि ये पूरा आपको आगे तक जाएगा, तो अगर आप इसको पूरा शेड करेंगे तो ये इस तरफ जा रहा होगा, तो इसलिए कॉमन जो रीजन हो गया वो ये है एंड ये कंटिन्यू रहेगा जितने जितने आगे आपकी लाइन बढ़ती रहेगी। तो ऐसे हमने फाइंड आउट कर लिया कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोग्रेस देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।